Hello everyone, we have just concluded our motivational session, 2-hour motivational session with the CSE and AIDS students of Orchid College of Engineering, Solapur. और मेरा सेशन कंप्लीट होने के बाद आप लोग देख सकते हो सभी स्टूडेंट्स की एनर्जी एंड रिएक्शन कैसा है. सो गाइस, हाउ इज द सेशन? यू एंजॉयड द सेशन? ऑल राइट, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. Sir, last 1 or 2 years we have been in connect and we are planning to have a session for our students. So why not go with the third year student, and that to be for CSE and AIDS student. And I make sure you guys, definitely this session, it will be eye-opening. Sir will give you lots of inputs about his journey also. And it's up to you what you are going to take from sir. So next 1.5 hours it is for you guys. So wish you all the best, and thank you very much Arshad sir and the team who comes to our college for this NLP expert talk session for our third year student. Thank you sir, thank you very much, thanks a lot. आप शॉप सी लेकर वहां पर आए हो विद सेम प्रोडक्ट, तो आप क्या करोगे? कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आपने इस प्रोडक्ट की कॉस्ट 100 रुपीज से कम करके 90 रुपीज भी कर दोगे, क्योंकि कैमरा में इमेज नहीं आती. तो ये जनरलाइजेशन, उसको उस टाइम पे ये टर्म था. पुलिस ने क्या किया, फिर उसकी मेंटल हेल्थ टेस्ट की. हम सीएसआई एआईडीएस के तो 5 साल में मतलब सी से बहुत अच्छे होंगे. और क्या कहता है, वो भी बन गया. सो Yeah, this is the strategy of the business. And guys, जैसे अभी सुमित ने बताया कि अगर अच्छी जॉब मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज आई विल गो फॉर द पीजी. पीजी प्रोग्राम्स आपके सामने कौन से होते हैं? एक तो आपके सामने होगा, आप डायरेक्टली इंजीनियरिंग के अंदर एमई या एमटेक कर लो, राइट? अगर वो नहीं करना, एमबीए कर लो. वो नहीं करना, इंडिया के बाहर जाना है, अपने आप को यू नो ग्लोबल एक्सपोजर की तरफ लेकर जाना है, तो आप एमएस कर सकते हो. अभी तक मैंने आपको कुछ माइंडसेट वाले थ्योरेटिकल टॉपिक्स एक्सप्लेन किए, यहां से आगे मैं कुछ आपको प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा जो डायरेक्टली आपके करियर से रिलेटेड है. ओके गाइस, और ये फॉर्मूला ना दुनिया भर में इतना ज्यादा बेस्ट सेलिंग रहा, जो आप गूगल करना बाद में आपको समझ में आएगा यहां से जाने के बाद. वो फॉर्मूला क्या है? इकिगाई फॉर्मूला. इकिगाई इज अ जापानीज वर्ड. इकिगाई क्या है? जापानीज वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है. क्या है आपके लाइफ का पर्पस? क्या है? यू नो जापान के अंदर ओकिनावा नाम का एक छोटा सा आइलैंड है. किस नाम का? से विथ मी, किस नाम का? ओकिनावा. कुछ यूरोपियन लोग जब इस आइलैंड के ऊपर गए तो उन्होंने एक चीज वहां पे नोटिस की. वो चीज क्या थी कि उन्होंने देखा कि इस ओकिनावा आइलैंड के ऊपर 100+ एज के 24% लोग हैं. कितने लोग हैं? 24% लोग. मीन्स वॉट? अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 24 लोग ये 100 की एज को क्रॉस कर लेते हैं. इनफैक्ट 80 साल तक तो वो लोग रिटायर भी नहीं होते. पर 100 लोगों के पीछे
24 लोग या 100 की एज क्रॉस कर लेते हैं, और ये नंबर दुनिया के एवरेज से बहुत ज्यादा है। आप देखो ना, हमारे सराउंडिंग में कितने परसेंट लोग होंगे या कितने लोग होंगे जो 100 तक, इवन 80 तक भी आज पहुंच रहे हैं। Am I right? हम तो कहां तक पहुंचेंगे ये तो आने वाला टाइम में बताएगा, बिकॉज कम से कम हमारे पेरेंट्स, हमारे दादा, ये लोगों का नेचुरल फूड तो था। हमने तो अपने पैदा होते ही आर्टिफिशियल फूड, आर्टिफिशियल स्वीटनेस, एवरीथिंग, जितना जंक हो सकता था हमने कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया है। तो हमारा एज तो कहां तक आएगा ये तो टाइम में बताएगा। सो गाइस, ऐसे सिचुएशन के अंदर ये लोग इतना ज्यादा कैसे जी पा रहे हैं, तब इनके पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये इन लोगों ने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। किन लोगों ने, जो यहां पर इस आइलैंड पर गए थे, और उन्हें यह पता चला कि ये लोग क्या करते हैं, एक इकिगाई फॉर्मूला फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? इकिगाई फॉर्मूला फॉलो करते हैं। अब इकिगाई फॉर्मूला क्या होता है इसको समझ लो। अब तक मैंने आपको क्या कहा कि आपको क्या करना है, अपने पैशन को फॉलो करना है। Am I right? मैंने क्या कहा, अपने पैशन को फॉलो करना है। अब किसी का पैशन होगा गोटियां खेलना, तो वो क्या करेगा, उसमें करियर कैसे बनाएगा, राइट? किसी का पैशन होगा कुछ और ऐसा काम जिसकी ना दुनिया को कोई जरूरत है, ना जिसके अंदर से तुम पैसा कमा सकते हो, तो ऐसे पैशन का आप क्या करोगे, दैट्स द यूजलेस पैशन, एम आई राइट? तो हमें क्या करना होता है, हमें अंडरस्टैंड करना होता है कि हमें अपने लाइफ के अंदर करना क्या है। अब यहां पे थोड़ा सा मेरे साथ फोकस करो, सबका फोकस पीपीटी की तरफ होना चाहिए। यहां पे देखो, एक चीज वो है जो करना आपको पसंद है, ओके? पहली चीज क्या है जो करना आपको पसंद है? अब ये काम अगर आप उस काम के साथ मिला दोगे जो करने में आप अच्छे हो, वो उस काम के साथ मिला दोगे जो करने में आप अच्छे हो, तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका क्या बनेगा, सेव विथ मी, ये आपका क्या बनेगा, समझ में आ रहा है सबके? एक काम करना जो आपको पसंद है, और वही काम अगर आप उसके अंदर अच्छे हो, किसी को क्रिकेट खेलना पसंद हो सकता है बट जरूरी नहीं कि वो क्रिकेट में अच्छा है। देखना हर किसी को पसंद है बट हर कोई अच्छा प्लेयर तो नहीं बन सकता। सो अगर आपको कुछ करना पसंद है और आप उसके अंदर अच्छे हो, तो वो काम आपका क्या बनेगा, वो आपका क्या बनेगा, पैशन बनेगा। आगे बढ़ते, एक काम के अंदर आप अच्छे हो और उस काम के लिए आपको पे किया जा रहा है, उस काम के लिए आपको पे किया जा रहा है, तो वो आपका क्या बनेगा, वो आपका क्या बनेगा, प्रोफेशन बनेगा। कि उस काम के अंदर आप अच्छे भी हो और वो काम के लिए आपको पे भी किया जा रहा है। अब तीसरी तरफ आओ, एक काम के लिए आपको पे किया जा रहा है और उस काम की दुनिया को जरूरत है, एक काम के लिए आपको पे किया जा रहा है और उस काम की दुनिया को जरूरत है, वो आपका क्या बनेगा, वोकेशन। वोकेशन मीन्स व्हाट? सिंपल वर्ड्स में वो आपका प्रोफेशन बनेगा। क्या बनेगा? वो आपका प्रोफेशन बनेगा। और जैसे मैंने आपको अर्लियर बताया कि एक काम की दुनिया को जरूरत है, वी नीड पीपल, वी नीड एम्प्लॉयज फॉर दैट। अब वो आपको पसंद हो चाहे ना हो, बट आपको उसके लिए क्या होगा, पे किया जा रहा है। तो आपको चाहे पसंद हो या ना हो, वो क्या बनेगा, आपका प्रोफेशन बनेगा, वोकेशन बनेगा। और एक काम जो आपको करना पसंद भी है और दुनिया को उसकी जरूरत भी है, एक काम जो आपको करना पसंद भी है और दुनिया को उसकी जरूरत भी है, तो ये क्या बनेगा आपका, ये क्या बनेगा आपका, मिशन बनेगा। समझ में आ रहा है सबके? अब इस सभी चीजों को कंबाइन करो। अब क्या करो, इन सभी चीजों को कंबाइन करो। एक काम जो करना आपको पसंद है, उस काम के अंदर आप अच्छे हो, उस काम के लिए आपको पे किया जा रहा है और वो काम की दुनिया को जरूरत भी है। समझ रहे हैं आप लोग? एक काम जो करना आपको पसंद है, वो काम के अंदर आप अच्छे हो, उस काम के लिए आपको पे किया जा रहा है और उस काम की दुनिया को जरूरत है, तो ये ओवरऑल क्या बनेगा, आपका इकिगाई बनेगा। क्या बनेगा? इकिगाई मींस व्हाट? ये आपका पर्पस ऑफ लाइफ बनेगा। इस काम को क्या कहते हैं पता है? अ प्रोफेशन, अ बिजनेस विद अ कॉज। एक इंसान को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर उसको कब बनना है? उसको लोगों का इलाज करना पसंद है, उसके लिए उसको पे भी किया जा रहा है और वो किसी की जिंदगी बचा रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो काम क्या बना, एक नोबल कॉज बना, जिसके लिए पैसे भी मिल रहे हैं और लोगों का भला भी हो रहा है। उसी तरह से हम भी जो प्रोफेशन कर रहे हैं या जिस प्रोफेशन के अंदर अगर हम जाएंगे, अगर हम अपना इकिगाई चूज करते हैं, अगर हम अपना इकिगाई डिसाइड करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, एक ऐसा काम मिलेगा जो आप ही के लिए नहीं
बल्कि पूरे सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल बनेगा। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ गया सबके? सो नाउ इट्स अप टू यू कि आप अपना इकिगाई क्या चूज करते हो। आर यू गेटिंग इट? थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं आपकी। यू नो, जैसे मैंने अभी बताया, राइट, Thank you.